मुरादाबाद जनपद में 80% दिव्यांगता से ग्रसित पैरों से चलने में असमर्थ 51 दिव्यांगजनों को विकास भवन में निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण कैबिनेट मंत्री पंचायती राज भूपेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सौगात मिलने से दिव्यांगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाभार्थी दिव्यांगों का कहना था कि जितना योगी सरकार ने दिव्यांगों के लिए किया है उतना कभी पहले किसी सरकार ने नहीं दिव्यांगों के लिए सोचा और नहीं कभी किया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले हमारी पेंशन बढ़ाकर और अब मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देकर दिव्यांगजनों के जीवन को रफ्तार देने और उनको मजबूत करने का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में मुरादाबाद में एक कार्यक्रम रखा गया समाज कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से। प्रदेश की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार, हम सब लोग मिलकर समाज के सब वर्गों के उत्थान के लिए, जिसमें दिव्यांगजनों की भी भूमिका का उनका उपयोग और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आज ये कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम समाज के सब वर्गों के साथ लेकर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब काम करेंगे। सर, हम बहुत खुश हैं आज, क्योंकि इतनी सरकारें आई, बहुत सौ सरकारें आई, मगर दिव्यांगों के बारे में किसी ने इतना नहीं सोचा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा। और आज ट्राई साइकिल देकर बहुत अच्छा काम करा है। पहले हम ये इस गाड़ी को हाथ से खींचते थे, बहुत मेहनत पड़ती थी, अब इसमें मोटर बाइक की गाड़ी है, आराम से चलेगी, जरा आराम भी लगा। सर, जिंदगी बहुत आसान हो गई है। इस सरकार ने बहुत ही दिव्यांग के लिए सोचा है सर, क्योंकि पहले 500 रुपये मिलते थे पेंशन के, इन्होंने बढ़ा के 1500 कर दिए सर, और इस वजह आप हमने ट्राई साइकिल दे दी ताकि हम अपने आसानी से कोई काम कर सकें या आना जाना आसान हो गया है सर। हम बहुत खुश हैं और दिल की गहराइयों से योगी आदित्यनाथ का इस्तकबाल करते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ करा है अपनी सरकार में, अपने कार्यकाल में, अभी तक किसी सरकार ने ऐसा कुछ दिव्यांगों के लिए सोचा ही नहीं था अभी तक।